अकीदत के साथ पढ़े गए ईद उल अजहा की नमाज, मांगी अमन चैन की दुआ। यूपी के जनपद बहराइच के थाना मटेरा के अंतर्गत दीवानपुरा में ईद की ईदगाह में ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। साथ में अदा की गई नमाज में मुल्क अमन चैन की दुआ मांग गई। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे के गले मिलकर मुबारकबाद दी। ईदगाह में नमाज मोहम्मद शफी खान के द्वारा अदा करवाई गई, तो वही क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस लगातार गश्त करती रही। मस्जिद तो वही आसपास पुलिस फोर्स तैनात रही, लोगों से शांतिपूर्ण त्यौहार मनाने की अपील करती रही। तो वही नमाज के दौरान तकरीर करते मोहम्मद हाफिज शफी खान ने कहा कि हजरत इब्राहिम सुन्नतों पर चलते हुए हमें कुर्बानी के त्यौहार मनाते हैं, लेकिन आपको कुर्बानी की जरूरत नहीं बल्कि वो इंसान की कुर्बानी को देखते हुए इसलिए अल्लाह के रजा के लिए कुर्बानी करें। उन्होंने कहा कि अल्लाह के लिए अपनी जान भी कुर्बान करना है। देश में माहौल को देखते हुए हमें बताने की जरूरत नहीं है, अपने बच्चों को परवरिश बड़े जिम्मेदारी से निभाएं। खुदा ने हमें जो मौका दिया है उसका शुक्र अदा करना चाहिए। तो वहीं दीवानपुरा के ईदगाह कमेटी के देखरेख में नमाज पढ़ाने के प्रबंध किया गया। इस मौके पर तमाम मुसलमान व मोमिन वहां पर मौजूद रहे। तो वहीं ईद के मौके पर वहां मौजूद अली मुर्तजा, मोहम्मद गुलजार, मोहम्मद अयूब, मोहम्मद साबिर, मोहम्मद असगर, मोहम्मद अख्तर, मोहम्मद अरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद आमीन, जनुल आतीन, मुगरे, रियाज, सुबहान अली, मासूम अली, नूर हसन, कमरुद्दीन व काफ़ी लोग वहां पर मौजूद रहे।